please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल को लेकर कुमारस्वामी आज दिल्ली आ रहे हैं। कुमारस्वामी दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे और शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में जेडीएस को मुख्यमंत्री समेत 10 से 13 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को डिप्टी सीएम समेत 17 से 20 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन जेडीएस चाहती है कि डिप्टी सीएम का पद किसी मुस्लिम को दिया जाए, इसलिए अब 2 डिप्टी सीएम पर भी विचार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम के लिए जी परमेश्वर, डी के शिवकुमार और आरपी देशपांडे का नाम सबसे आगे है। कर्नाटक में जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीएस और कांग्रेस की सरकार का स्वरूप क्या होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीएस के प्रधान महासचिव दानिश अली हैं। दानिश, स्वरूप क्या होगा? स्वरूप अभी तय नहीं है सरकार का। हमारी दोनों दलों की अंडरस्टैंडिंग है, हम एकजुट होकर के सरकार बनाएंगे और उस सरकार के मुखिया श्री एचडी कुमार स्वामी, अभी इतना ही तय। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि 20 जो मंत्री हैं कांग्रेस से होंगे, 12-13 जेडीएस से होंगे, तो अभी तक कोई फॉर्मूले पे आप लोगों ने काम नहीं किया? ये सब कोई फॉर्मूला अभी है ही नहीं, ये सब बहुत जल्दबाजी है। मेन मकसद है कि हमें इस अलायंस को लेकर के सरकार बनानी है और इसको 2019 हमारा लक्ष्य है। ये सब इमेटीरियल चीज़ें हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, किस पार्टी के कितने होंगे, ये बहुत छोटी चीज है। बड़ा टारगेट हमारा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बुधवार को कितने लोग शपथ लेंगे? अभी कुछ तय नहीं है, बुधवार में अभी जो है 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन अभी बीच में है, इंतजार कीजिए। ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वो अपने साथ कितने लोगों को शपथ दिलाते हैं। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा बरामद हुआ है। मैं पहुंचे जहां बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक फरार हो गया और एक सिपाही भी घायल हुआ और इनके कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और तमंचा और लूटा हुआ मोबाइल और पर्स और अपाची मोटरसाइकिल।